सलमान खान ते बाबा सिद्दीकी दे बेटे जिशान सिद्दीकी नूं जानू मारन की धमकी मिली है। दस दिए कि उन्होंने ऑफिस धमकी भरे फोन कॉल आई है, जिस तो बाद पुलिस दे वल्लों भी वड्डा एक्शन लिया गया है। पुलिस दे वल्लों धमकियां देने वाले नूं गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मुंबई लियांदा जा रहा है धमकियां देने वाले नूं। दस दिए कि नोएडा तो गिरफ्तारी की गई है और पुछगिछ दे विच सामने आया है कि जो धमकी दिती गई है जिस व्यक्ति दे वल्लों, तो उसके वल्लों प्रैंक करन की कोशिश की जा रही थी। सलमान खान अते बाबा सिद्दीकी नूं डराउण की कोशिश की जा रही थी और सिर्फ प्रैंक करना उसका मकसद सी। फिलहाल पुलिस दे वल्लों जांच की जा रही है कि आखिर किसे वल्लों इन्हां नूं इस तरीके की गाइडेंस तो नहीं दी गई, इस तरीके दे नाल उन्हां नूं बहकाया तो नहीं गया कि सलमान खान जां बाबा सिद्दीकी दे बेटे नूं धमकी दे के उन्हां दे विच दहशत का माहौल पैदा किया जाए। पर वड्डी खबर है, सलमान खान नूं एक बार फिर धमकी दी गई है, जिस तों बाद पुलिस भी एक्शन दे विच आई है। पुलिस दे वल्लों तुरंत कार्रवाई की गई है और नोएडा तो धमकी देने वाले व्यक्ति नूं गिरफ्तार कर लिया गया। दसिया जा रहा है कि 24 साल उम्र है और प्रैंक करन की कोशिश उसके वल्लों की जा रही थी और पुलिस दे वल्लों फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई है और नोएडा तो गिरफ्तार करन तो बाद मुलजम नूं मुंबई लियांदा जा रहा है। तो उधर ही दूसरे पासे जेकर गल करिए सलमान खान की, तो सलमान खान इन्हीं दिनी इन्हें धमकियों के चलते बेहद चिंतित नज़र आ रहे, परिवार भी काफ़ी चिंता दे विच है क्योंकि जिस तरीके दे नाल बाबा सिद्दीकी दी दा कतल किया गया, गोलियां मार के बड़ी बेरहमी दे नाल मौत दे घाट उतारिया गया, तो उस तो बाद सलमान खान का परिवार भी काफ़ी डर चुका है। सलमान खान के पिता सलीम खान के वल्लों भी सामने आके एक इंटरव्यू भी दी जाती है, जिस दे विच स्पष्टीकरण देंदे हुए भी नज़र आते हैं कि काले हिरन नूं नहीं मारिया गया सी सलमान खान के वल्लों और सलमान खान के वल्लों किसी तरीके दे नाल भी कदे भी किसी जानवर नूं नुकसान पहुँचाउण की कोशिश नहीं की गई। इत्थों तक स्पष्टीकरण देंदे हुए कहिंदे ने कि सलमान खान मुआफ़ी नहीं इस मामले दे विच मंगेगा, क्योंकि जेकर मुआफ़ी मंगी जाती है तो अदालत दे विच जो उन्होंने बरी किया गया जिस मामले दे विच, तो उस मामले दे विच एक तरीके दे नाल अपराधी साबित हो जाएंगे, जदों कि उन्होंने कदे भी किसी जानवर नू नहीं मारिया। तो इस तरीके दे नाल सलीम खान दे वल्लों स्पष्टीकरण भी दिता गया सी, परिवार भी काफ़ी चिंता दे विच नज़र आ रहा है और उत्थे बाबा सिद्दीकी दे बेटे का भी वड्डा बयान सामने आया। बाबा सिद्दीकी दे बेटे ने भी दस्या कि सलमान खान इन्हीं दिनी बहुत परेशान चल रहे ने, उन्होंने रातों नींद नहीं आती और हर रोज़ रात नूं उन्हां दे वल्लों परिवार नूं फोन कॉल की जाती है, हाल चाल बाबा सिद्दीकी दे परिवार का पूछा जाता है। दस दिए कि 12 अक्तूबर नूं बाबा सिद्दीकी का गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी और सलमान खान के बेहद करीबी सी बाबा सिद्दीकी, जिस तो बाद उन्होंने अंतम संस्कार दे विच भी सलमान खान पहुँचते हैं। जिवें ही मौत की उन्होंने खबर मिलती है तो बिग बॉस की शूटिंग विच ही छड़ के आ जाते हैं और परिवार का दुख वडाउण पहुँचते हैं। रात को 3 बजे हस्पताल के बाहर भी नज़र आते हैं और बेहद गमगीन माहौल दे विच नज़र आ रहे हैं और उत्थे वो तस्वीर भी तेजी दे नाल वायरल हुई सी जदों उन्होंने अंतम संस्कार तो बाद विच जदों आउंदे हुए नज़र आते हैं और आस पास उन्होंने सिक्योरिटी नज़र आती है, क्योंकि लगातार धमकियां सलमान खान को दित्तियां जा रही ने और इसी तरीके दियां धमकियां बाबा सिद्दीकी नूं भी दित्तियां गई ने। और जो बाबा सिद्दीकी का कतल किया जाता है तो उस तो बाद धमकी सलमान खान फिर दी जाती है कि जिस तरीके दे नाल तुहाडे दोस्त का कतल किया गया उस तरीके दे नाल तुहानू भी मौत दे घाट उतार दिता जाएगा। तो इसे नू लैके परिवार काफ़ी चिंतित है और सलमान खान दियां रातां दी नींद भी उड़ चुकी है। लगातार बिग बॉस की शूटिंग उन्होंने वल्लों की जा रही है और आस पास उन्होंने सुरक्षा कर्मचारी नज़र आते हैं, तो उन्होंने सुरक्षा दे विच भी वादा किया गया सी 2+ सिक्योरिटी उन्होंने दी गई है। हालांकि बाबा सिद्दीकी दे कोल भी सिक्योरिटी सी 2+ सिक्योरिटी दे विच सी, जिस समय उन्हों का कतल कर दिता जाता है तो इसे नूं लैके परिवार भी सोचा दे विच घिरिया होया। सलमान खान भी बेहद चिंतित ने और उन्होंने भी डर सता रहा है कितें ना कितें, कि क्योंकि अपनी जेकर गल ना भी करन तां परिवार नूं लैके बेहद चिंतित ने, क्योंकि परिवार इक्को घर दे विच रहिंदा ने, गलैक्सी अपार्टमेंट दे विच सारा परिवार इकट्ठा रहिंदा है और उत्थे भी फायरिंग हो चुकी है, उत्थे भी गोलियां चलाईयां जा चुकियां ने, जिस तो बाद लगातार परिवार दे एक एक मैंबर दे वल्लों जो इस तरीके दे नाल चिंता दा प्रगटावा कीता जा रहा है, डर दा जो माहौल
परिवार दे विच बनिया होया ते उन्हां दे बयानां दे विच भी वह साफ झलकदा है। तो फिलहाल एक बार फिर धमकी देने की कोशिश की गई है, सलमान खान नूं धमकी दी गई सी और बाबा सदीकी दे बेटे जिशान नूं धमकी दी गई सी। धमकी भरिया फोन कॉल उन्हां दे दफ्तरां दे विच आउंदा है, जिस तों बाद उत्थे हलचल मच जाती है और पुलिस नूं जानकारी तुरंत इसकी दी जाती है। जदों पुलिस दे वल्लों जांच की जाती है तो यह कॉल नोएडा तो आई सी, एक 24 साल मुंडे दे वल्लों कॉल की गई सी, जिस तों बाद पुलिस दे वल्लों तुरंत कार्रवाई की जाती है तो उस लड़के नूं उत्थों गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस तों बाद उसनूं मुंबई लिया जा रहा। हालांकि पुछगिछ दे विच उसदे वल्लों मन्निया गया है कि जो धमकी उसदे वल्लों दी गई है तो सिर्फ एक प्रैंक करन की कोशिश की गई है, डराउणा उसका मकसद नहीं सी और किसी तरीके की दहशत परिवारां दे विच पैदा करना उसका मकसद नहीं सी। पर फिर भी पुलिस दे वल्लों जांच की जा रही है कि आखिर किस दे कहण दे विच जां किस दे बहकावे दे विच आके इस नौजवान दे वल्लों यह धमकी भरिया फोन कॉल किया गया। और क्योंकि दहशत तो जरूर पैदा हो जाती है जदों किसी नूं इसे तरीके दे नाल धमकियां मिल रही होण, और उस मामले दे विच जदों पुलिस भी जांच कर रही होवे तां उदों एक एक करके जदों इस तरीके दीआं धमकियां जाणबुझ के दित्तियां जा रही होण तां एक शक जरूर पुलिस नूं भी पैदा हुंदा है कि किते इह जाणबुझ के जो सोची समझी साजिश है उसके तहत तां धमकियां दित्तियां जा रही। तां इसे दे तहत पुलिस दे वल्लों तुरंत कार्रवाई भी की जाती है और 24 साल लड़के नूं गिरफ्तार कर लिया गया। तो हुण उस नूं मुंबई लिया जा रहा, उत्थे लिया के पुछगिछ की जाएगी और तार होर इस मामले दे विच की जुड़ते हैं, तो इस मामले दे विच होर भी की कुछ निकल के सामने आता है। तो पुलिस दे वल्लों फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। तो उत्थे ही सलमान खान ते सलमान खान का परिवार ते बाबा सदीकी का परिवार भी चिंता दे विच डुब्या होया नजर आ